इंसानी रचना से ज़्यादा रचनात्मक और खूबसूरत प्रकृति की रचना है, जैसे नदी, पहाड़, फल फूल, पशु पक्षी आदि। ये खूबसूरती का वह रूप है जिसे देखने भर से ही मन प्रसन्न हो उठता है। इनके आकार, रंग, ध्वनि, स्वरूप को देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे इन्हें प्रकृति ने बेहद ही खूबसूरत ढंग से बनाया। आज हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की जानकारी देंगे और साथ ही दिखाएंगे उनकी कुछ बेहद मनमोहक और रंग बिरंगी तस्वीरें। तो नंबर 10 पर है हाइसिंथ मकाओ। गहरे नीले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का नाम हाइसिंथ मकाओ है। हाइसिंथ मकाओ की लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है और यह तोते के प्रजाति वाला पक्षी है जो उत्तरी ब्राजील में पाया जाता है। इनकी आबादी दुनिया में 5000 के आसपास है। इनकी खासियत यह है कि ये दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही मीठी इनकी आवाज़ भी होती है। हाइसिंथ मकाओ को ब्लू मकाओ के नाम से भी पहचाना जाता है। नंबर 9, किल बिल टुकेन। इस रंग बिरंगे लंबी चोंच वाले पक्षी का नाम किल बिल टुकेन है। इस पक्षी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन 4 किलो के आसपास होता है और इसकी चोंच हरे, लाल और पीले रंग का मिश्रण है जो दिखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत लगती है। अपनी लंबी चोंच का उपयोग ये पक्षी कीड़े, अंडे और छिपकलियों को मारकर उसका सेवन करने के लिए करते हैं। यह पक्षी दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। नंबर 8, वुडडक। वुडडक नाम का यह पक्षी बदक प्रजाति का होता है जो देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। इस पक्षी की खासियत यह है कि पानी के अलावा भी यह पक्षी पेड़ में सुरंग कर अपना घर बना लेता है। यह बहुरंगी पक्षी अपनी खूबसूरती और खासियत से किसी का भी मन मोह सकता है। वुडडक नॉर्थ अमेरिका के जंगलों के दलदलों में निवास करता है। नंबर 7, बोहेमियन वैक्सिंग। मध्यम आकार के इस खूबसूरत पक्षी को बोहेमियन वैक्सिंग के नाम से जाना जाता है जो कि ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का और यूरेशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसकी चोंच का आकार छोटे काले रंग का होता है। इस प्रजाति के पक्षी की आवाज़ बहुत मधुर होती है जिस वजह से इसे सॉन्ग बर्ड भी कहा जाता है। नंबर 6, ब्लू जे। ब्लू जे दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सुंदर पक्षियों में से एक है और यह पूर्वी और मध्य उत्तरी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इस पक्षी की खासियत यह है कि यह अपनी चोंच से जे जे की ध्वनि निकालते हैं और साथ ही यह अनेक पक्षियों की आवाज़ भी निकाल सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्लू जे अनेक पक्षियों के अलावा इंसानी आवाज़ भी निकाल सकते हैं। नीले रंग के दिखने और जे जे की ध्वनि निकालने के कारण इस पक्षी का नाम ब्लू जे रखा गया है। नंबर 5, अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन नाम का यह पक्षी उत्तरी अमेरिका और पूर्वी कनाडा के समुद्री तट पर पाया जाता है। इसके हाव भाव और रहन सहन के तरीके के कारण इसे समुद्री तोता भी कहा जाता है। इनमें उड़ने के साथ साथ पानी में छलांग लगाने की भी कमाल की क्षमता होती है। यह पानी में 60 मीटर की गहराई तक पहुँच सकते हैं और अपने पंखों को एक घंटों में 400 बार फैलाकर 50 माइल प्रति घंटे की तेजी से उड़ सकते हैं। नंबर 4, पिकॉक। इस पक्षी का नाम पिकॉक है जिसे भारत में मोर के नाम से भी जाना जाता है। मोर की खासियत यह है कि इसके पंख बहुत लंबे, घने और बहुरंगी होते हैं। भारतीय पक्षियों में मोर की प्रजाति सबसे मशहूर है और ये भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। सावन का मौसम आते ही मोर पहाड़ी, जंगली या बाग बगीचे वाले इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मोर सावन की बारिश में नृत्य करने के लिए बाहर आता है और अपने पूरे पंख फैलाकर नृत्य करता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। नंबर 3, फ्लेमिंगो। इस खूबसूरत पक्षी का नाम फ्लेमिंगो है जिसकी लंबाई 4.5 फीट और वजन 3.5 किलो के आसपास होता है। यह पक्षी दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। नंबर 2, स्कारलेट मकाओ। दुनिया के सबसे खूबसूरत और बहुरंगी पक्षियों में से एक है स्कारलेट मकाओ। यह तोते के प्रजाति वाला पक्षी है जिसे नॉर्थ अमेरिका के कई लोग अपने घर में भी पालते हैं। स्कारलेट मकाओ की लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो के आसपास होता है। स्कारलेट मकाओ के उड़ने की क्षमता भी कमाल की होती है और यह अपने पंखों को लगातार तेजी से फैलाकर 55 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। नंबर 1, गोल्डन फिजेंट। दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की सूची में गोल्डन फिजेंट पहले स्थान पर है। इसकी खूबसूरती और रंग बिरंगी छवि इसे पहले स्थान के योग बनाती है। सुनहरे और लाल रंग के होने के कारण इसे गोल्डन फिजेंट के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी दुनिया के कई देशों में पाया जाता है पर ज़्यादातर इसकी आबादी पहाड़ियों और जंगली इलाकों में पाई जाती है।